वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे अनियन एक पराठा। ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। आप इसे जल्दी से ब्रेकफास्ट, डिनर या टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। तो चलिए इस पराठे को बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल में मैदा लेंगे। मैं यहाँ पे टोटल 1.5 कप मैदे का यूज़ करूँगी। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को आप जितना बारीक से काटेंगे पराठा उतना ही सॉफ्ट और पतला होगा। अब इसमें 2 इंच ग्रेटेड अदरक डालेंगे। आप अदरक को चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं। 5-6 ग्रेटेड लहसुन की कलियां। इसी के साथ ही चॉप्ड किया हुआ मिर्च डालेंगे। मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिए। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें हम 2 अंडे को ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें और एक अंडा ऐड कर सकते हैं। दोनों अंडे को ही मैंने इसमें डाल दिया है। अब एक विस्कर से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और बैटर को तैयार करेंगे। इसमें आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। बैटर को हमें एकदम स्मूथ बनाना है और इसी तरह से इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे टोटल 1.5 कप पानी का यूज़ किया है। और ये देखिए हमारा बैटर इस तरह से बनके तैयार हो चुका है, एकदम स्मूथ। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल और ऑयल को बैटर के साथ अच्छी तरह से और 1 मिनट तक फेंट लेंगे। बैटर को फेंटते हुए ही इसमें आपको इस तरह से बबल्स दिखने लगेगा, यानी हमारा बैटर परफेक्टली बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको इसका थिकनेस दिखा देती हूँ। इस तरह का पतला और स्मूथ बैटर हमें पराठे के लिए चाहिए। अब इसे पराठा बनाएंगे। गरम पैन पे थोड़ा सा बटर ग्रीस करेंगे। इसमें बहुत ही कम बटर लगता है। अब गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें एक मीडियम स्पून पे 1 स्पून बैटर डालेंगे और बैटर को एकदम पतला करके इस तरह से फैला देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद पराठे को हम पलट देंगे। इसे आप बहुत ही आसानी से पलट सकते हैं। ये पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और ये पराठा बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए पराठा एक तरफ से अच्छे से हो चुका है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और ये हमारा पराठा दोनों तरफ से बनके तैयार हो चुका है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इससे जब सर्व करेंगे दिखने में अच्छा लगेगा और टिफ़िन में भी जगह कम लेगा। दूसरा और एक बनाकर दिखा देती हूँ। आप चाहे तो बटर की जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल लगता है। बैटर को फैलाते वक्त गैस का फ्लेम लो रखिएगा या तो गैस का छोटा बर्नर यूज़ कीजिए तो अच्छा होगा। और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इसे जल्दी से घर में बना सकते हैं। बड़े बच्चे सभी इसे आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनता है। आप भी इस पराठे को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब पराठे को हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। इससे ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।